Hello everyone, our today's topic is Nelson's 10 heuristic evaluation. Basically Nelson ने जो evaluation के regarding जो rules दिए हैं, ठीक है, आज उनकी study हम करेंगे. इससे पहले भी हमने evaluation के regarding एक approach पढ़ा था, लेकिन आज का जो approach है evaluation का, बेसिकली वो यूजबिलिटी बेस्ड इवैल्यूएशन है. मींस हम किसी भी इंटरफेस को चेक करने के लिए कि वो कितना यूजबल है, मींस हम बेसिकली कर क्या रहे हैं. नेल्सन्स ने 10 रूल्स दिए हैं, ठीक है, फॉर विच ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन. मींस इवैल्यूएशन करना है किस अप्रोच से, ह्यूरिस्टिक अप्रोच से. ह्यूरिस्टिक अप्रोच मींस अनुमान लगाना है. हमें क्या करना है, इवेल्युएशन करने के लिए, चेक करने के लिए अनुमान लगाना है कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए. तो उस ह्यूरिस्टिक इवेल्युएशन के लिए, यानी चेकिंग के लिए, यानी टेस्टिंग के लिए, यानी इवेल्युएशन के लिए, हम जिन चीजों का अनुमान लगाएंगे, हमारे माइंड में कौन कौन सी चीजें आनी चाहिए, उनके लिए 10 रूल्स बनाए गए हैं. नेल्सन्स ने 10 रूल्स दिए हैं, उन 10 रूल्स को फॉलो करते हैं अगर हम किसी इंटरफेस पे, तो जो इवेल्युएशन कहलाता है वो ह्यूरिस्टिक इवेल्युएशन कहलाता है, ठीक है. सो बेसिकली नेल्सन्स 10 ह्यूरिस्टिक इवेल्युएशन इज अ मेथडिकल प्रोसीजर्स टू चेक यूजर इंटरफेस फॉर यूजिबिलिटी प्रॉब्लम. टू चेक यूजर इंटरफेस फॉर यूजिबिलिटी प्रॉब्लम्स. हम चेक करेंगे इंटरफेस को किस लिए, यूजिबिलिटी प्रॉब्लम्स के लिए. मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी यूज करने में, यूजर को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी यूज करने में. तो जो हम चेकिंग कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं, इवेल्युएशन कर रहे हैं फॉर द पॉइंट ऑफ यूजिबिलिटी प्रॉब्लम, उसी को हम बोल रहे हैं ह्यूरिस्टिक इवेल्युएशन. उसी को हम क्या बोल रहे हैं, ह्यूरिस्टिक इवेल्युएशन. मींस ह्यूरिस्टिक इवेल्युएशन इज टू चेक यूजर इंटरफेस फॉर यूजिबिलिटी प्रॉब्लम. मतलब यूजर को इंटरफेस यूज करने में प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए हम अपने इंटरफेस को इवेल्युएट करते हैं, और उसकी इवेल्युएशन के लिए जिन 10 रूल्स का हम यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं नेल्सन्स 10 ह्यूरिस्टिक इवेल्युएशन. ओके, सो once a usability problem is detected in design, they are attached as an integral part of constant design process. Heuristic evaluation method includes some usability principles such as Nelson's 10 usability principles. Means यहाँ पे जो 10 नियम बताए गए हैं, जो 10 principles बताए गए हैं, जो सिद्धांत बताए गए हैं टेस्टिंग के रिगार्डिंग, इवेल्युएशन की रिगार्डिंग, जिसको हम ह्यूरिस्टिक इवेल्युएशन कह रहे हैं, वो कंप्लीटली बेस्ड है यूजिबिलिटी के प्रिंसिपल्स पे. यानी हमें टेस्टिंग यानी इवेल्युएशन अपने इंटरफेस का इस पॉइंट ऑफ व्यू से करना है कि हम ये चेक करेंगे कि यूजर को इंटरफेस से इंटरेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम ना आए, यानी यूज करने में कोई प्रॉब्लम ना आए. मीन्स वी चेक फॉर यूजिबिलिटी. So, यहाँ जो 10 प्रिंसिपल्स दिए गए हैं वो कंप्लीटली बेस्ड हैं यूजिबिलिटी के. तो बेसिकली इस अप्रोच के थ्रू हम किसी भी इंटरफेस का इवेल्युएशन जब करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ह्यूरिस्टिक इवेल्युएशन. और दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू. ह्यूरिस्टिक इवेल्युएशन एग्जाम में पूछा ही जाता है. तो गाइज आप इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से देखिएगा. हियर we will be introduced to another set of well known interface design guidelines proposed by Jacob Nelson. Their application to a specific situation like a website will be discussed in the background of user centered design framework. They also can be used as heuristic for evaluation and interface. Since the 10 guidelines were more in the spirit of rules of thumb than specific rules, they are called as heuristic rather than rules or law. Normally मैंने बोला ना कि 10 rules दिए गए हैं, इसको rules नहीं कहें तो हम सही है,
ये ना तो एक रूल है ना तो एक लॉ है, ये एक प्रिंसिपल है, ठीक है, एक ह्यूरिस्टिक प्रिंसिपल है, ठीक है। और बेसिकली ह्यूरिस्टिक मींस इज अ रूल ऑफ थंब, ह्यूरिस्टिक मींस इज रूल ऑफ थंब, ये एक नॉर्मल रूल्स नहीं है, ये कोई एक नॉर्मल लॉ नहीं है, ठीक है। बेसिकली ये जो नियम बनाए गए, इस नियम को बनाने के लिए हमने बहुत सारे प्रैक्टिकल अप्रोच को फॉलो किया है, तब जाकर के इस नियम को, इस प्रिंसिपल को लेके आए, इसलिए इसको हम बोलते हैं ह्यूरिस्टिक। सो ह्यूरिस्टिक मीन्स रूल्स ऑफ थंब। सो दीज 10 रूल्स ऑफ थंब्स वेर डिराइव्ड आफ्टर केयरफुल रिसर्च बाय नेल्सन, who after conducting a factory analysis of 249 usability problems, means 249 usability problems थी, मतलब 249 तरह के usability problems को उन्होंने देखा, उस पर analysis किया, research किया, उसके बाद Nelson's 10 principles लेके आए, और फिर उन्हीं principles को use करके हम अपने इंटरफेस को जब इवेल्युएट करते हैं ह्यूरिस्टिक अप्रोच के थ्रू, तो हमारे उस इंटरफेस की यूजिबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। सो फॉर इंप्रूविंग द यूजिबिलिटी ऑफ आवर इंटरफेस वी परफॉर्म द नेल्सन्स 10 ह्यूरिस्टिक इवेल्युएशन। सो नेल्सन ह्यूरिस्टिक मेथड आर इंपिरिकली बेस्ड डेरिवेशंस widely used by usability professionals, which include interface designers. They are a means of quickly identifying likely interface design problem in an application. Method suggested by Nelson is popular because of its simplicity of low cost. Means हम जो evaluation करते हैं इस approach के through, उसकी cost बहुत ही कम होती है. It is preferred evaluation technique at the primarily design stage by HCI professional. यानी डिजाइनिंग के दौरान जो इनिशियल स्टेज हमारा होता है, Nelson's 10 heuristic evaluation होता है, यानी जब हमने लॉजिकल अप्रोच बना दिया, हमने अपने रिक्वायरमेंट को लॉजिक के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, कॉन्सेप्चुअल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, तो हमने जो कॉन्सेप्चुअल डिजाइन बनाया है, क्या वो कॉन्सेप्चुअल डिजाइन यूजिबिलिटी After implementation usability देगा, तो before implementation हम क्या करते हैं, उसकी usability को check करते हैं, क्या वो usability देगा। तो हमारे पास जो भी design aspects हैं, उन design aspects पे हम इन 10 rules को apply करते हैं, rules नहीं कह तो सही है, हम 10 principles को apply करते हैं, 10 heuristic evaluation principles को apply करते हैं। सबसे पहला principle हमारा visibility of system status, इसमें बहुत सारे points ऐसे हैं जो हमने previous lecture में हमने study भी किया है, लेकिन थोड़ा उससे हटके है। कैसे? फर्स्ट हमारा विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस, सेकंड वन इज मैच बिटवीन सिस्टम एंड द रियल वर्ल्ड, थर्ड वन इज यूजर कंट्रोल एंड फ्रीडम, फोर्थ वन इज कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड्स, फिफ्थ वन इज एरर प्रिवेंशन, सिक्स्थ वन इज रिकॉग्नाइजिंग रेदर देन रिकॉल, सेवेंथ वन इज फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ यूज, एट्थ वन इज एस्थेटिक एंड मिनिमलिस्ट डिजाइन, नाइन्थ वन इज हेल्प users recognize, diagnose and recover from errors, and last is provision of help and documentation. So these are 10 heuristic evaluation principles given by Nelson's for check the usability of our interface. Okay, so first one is visibility of system status. So what is the mean of visibility of system status? You can see here in this figure, one minute. You can see this figure. In this figure, there is a window which show that we are copying a file from one directory to another directory. It means visibility of system status, system ka kya status hai, means system kya action perform kar raha hai, system jo action perform kar raha hai uski visibility honi chahiye, kyunki hamare har action ke respect mein
सिस्टम भी कुछ रेस्पॉन्ड करेगा और सिस्टम को जो भी रेस्पॉन्स होगा उस रेस्पॉन्स की विजिबिलिटी हमारे इंटरफेस पे होनी चाहिए ताकि यूजर नीड्स टू बी किप्ट इन्फॉर्म्ड बाय द सिस्टम अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन थ्रू एप्रोप्रिएट फीडबैक विद इन रीजनेबल टाइम. मीन्स हमने जो भी सर्टेन एक्शन परफॉर्म किया उस एक्शन के रेस्पेक्ट में सिस्टम ने कुछ रेस्पॉन्ड किया तो सिस्टम ने जो रेस्पॉन्स किया वो उस रेस्पॉन्स का एक फीडबैक एक रीजनेबल टाइम में हमारे इंटरफेस पर रिफ्लेक्ट होना चाहिए ताकि यूजर को ये फील हो सके कि हमारे एक्शन का एक रेस्पॉन्स सिस्टम ने जनरेट किया. मीन्स देयर सिस्टम परफॉर्मिंग सम इंटरनल प्रोसेसिंग रिगार्डिंग आवर एक्शन. Performing our action. So, second one is match between system and the real world. Match between the system and real world means the system should speak the user's language with word, phrase, and concept familiar to the user rather than system-oriented terms. For example, अगर आप आसान शब्दों में समझे तो ऐसे समझिए कि मशीन जो है वो 01 की लैंग्वेज समझता है. ठीक है, 01 से भी थोड़ा ऊपर है उठे जिसको हम मेमोनिक कोड बोलते हैं जिसको नॉर्मली आप कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में यूज करते हैं. एड ए प्लस बी मूव एम ओ बी मूव ए टू बी इस तरह से आप जो मेमोनिक कोड यूज करते हैं ये सारी क्या मशीन की लैंग्वेज है. ठीक है, बेसिकली हम यहाँ जो सेकेंड प्रिंसिपल है वो क्या कह रहा है, मैच बिटवीन सिस्टम एंड रियल वर्ल्ड. सिस्टम और रियल वर्ल्ड में मैचिंग होनी चाहिए. मींस रियल वर्ल्ड में जो यूजर है वो यूजर जैसा समझना चाहता है सिस्टम उसी तरह से उसे समझाए. सिस्टम अपनी लैंग्वेज में ना समझाए. जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग सपोज करिए हिंदी में लेक्चर सुनना ज्यादा पसंद करते हैं. ठीक है, और मैं इंग्लिश में लेक्चर डिलीवर करना ज्यादा पसंद करता हूँ. तो चूंकि यूजर आप हैं, सुनने वाले आप हैं, लिसनर आप हैं, तो मुझे लेक्चर डिलीवर करने से पहले आपको प्रेफरेंस देनी होगी. मींस आपके चॉइस के अकॉर्डिंग मैं अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करूंगा, उसी लैंग्वेज में आपको लेक्चर दूंगा ताकि आप तक मेरी इंफॉर्मेशन आसानी से पहुंच सके. सेम हियर द सिस्टम शुड स्पीक द यूजर्स लैंग्वेज. सिस्टम जो है वो यूजर की लैंग्वेज में उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे विद वर्ड फ्रेज एंड कॉन्सेप्ट फैमिलियर टू द यूजर रैदर देन सिस्टम ओरिएंटेड टर्म. सिस्टम अपनी लैंग्वेज में यूजर को ना इंफॉर्मेशन दे, सिस्टम यूजर की लैंग्वेज में यूजर को इन्फॉर्मेशन दे. तो ऐसा सिस्टम तभी कर पाएगा जब हम अपने इंटरफेस में अपने डिजाइनिंग के टाइम में ऐसे फीचर्स रखें कि सिस्टम जो भी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करे स्क्रीन पे जनरेट करने से पहले उसे यूजर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करे. फॉलो रियल वर्ल्ड कन्वेंशंस मेकिंग इंफॉर्मेशन अपीयर इन अ नेचुरल एंड लॉजिकल ऑर्डर. You can see here this example. User can come from different background, skill level, specializations, and culture. The context on the screen need to match with the context of the user mental model. Suppose करिए आपने इस तरह का एक window design किया हुआ है. Window को design करते समय आप यूजर के मेंटल मॉडल पे फोकस करेंगे. यूजर के मेंटल मॉडल मींस यूजर किस तरह से चीजों को आसानी से समझ सकता है. आप उसी तरह के लैंग्वेजेस, उसी तरह के लॉजिक्स, उसी तरह के कोड्स अपने उस इंटरफेस पे आप यूज करेंगे. फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए एक विंडो बनाया हुआ, विंडो मैंने साफ साफ लिखा हुआ है बिल्कुल टॉप पे फाइंड स्लैश रिप्लेस. मीन्स अगर हम किसी वर्ड को फाइंड करना चाहते हैं तो भी इस विंडो को यूज कर सकते हैं. किसी अदर वर्ड से किसी वर्ड को रिप्लेस करना चाहते हैं तो भी इस विंडो को यूज कर सकते हैं. तो बिल्कुल क्लियरली यहाँ पे मेंशन है कि ये जो विंडो है बेसिकली इस विंडो को हम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे. सो मैच बिटवीन सिस्टम एंड द रियल वर्ल्ड, यानी सिस्टम और रियल वर्ल्ड में जो मैचिंग होनी चाहिए. सिस्टम क्या काम करेगा उसे हम आसानी से समझ सके. तो हम कैसे समझ पाएंगे, रियल वर्ल्ड में जो यूजर एग्जिस्ट कर रहा है वो यूजर किस तरह से समझना चाहता है सिस्टम वैसे ही उसको समझाए. इसके लिए मैचिंग होना बहुत जरूरी है. किसके बीच में, सिस्टम एंड रियल वर्ल्ड. थर्ड वन इज
user control and freedom. What is the meaning of user control and freedom? User often choose system functions which they did not want. They call for support, undo and redo. Third point is user control. First one is user control and freedom. मतलब यूजर को बिल्कुल आजादी होनी चाहिए, वो जैसे चाहे वैसे कर सके, कंट्रोलिंग उसके हाथ में होनी चाहिए. यूजर कंट्रोल एंड फ्रीडम. यूजर ऑफन चूज सिस्टम फंक्शंस विच दे डिड नॉट वांट. ये हमारे ये यूजर को इतनी कंट्रोलिंग होनी चाहिए कि जो यूज करना चाहे वो करे, जो यूज ना करना चाहे उसको ना करे, फंक्शनलिटी से हटा दे. माउस क्लिक ड्यू टू हेस्ट. This calls for support, undo and redo. A user need to have to go through tracing too many steps back to regain control. Basically, आपने देखा होगा system को आप system पे आपको undo और redo के option दिए रहते हैं, ठीक है? Basically उस undo और redo के options को use करके हम backtrack कर सकते हैं अपनी old situations पे. तो basically हम हमारे पास freedom है, ठीक है? Freedom क्या है? अगर हम किसी सर्टेन एक्शन को परफॉर्म करते करते किसी रॉन्ग वे के थ्रू किसी अदर स्टेप पर मूव कर गए, हमारे पास फ्रीडम है कि हम अपने ओल्ड स्टेप पे रिटर्न कर सकते हैं. और यूजर कंट्रोल मींस हमारे पास कुछ सर्टेन कंट्रोल के फीचर्स हैं जिसके थ्रू हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ फंक्शनैलिटीज को ऐड कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ अगर फिगर को देखें, कैन यूजर सेलेक्ट एंड सिक्वेंस टास्क. Can they easily return to where they were if they choose an inappropriate action path? The first example accuses them to committing an error. पहले क्या हो, एक error generate हो जाए. The second one is much better but does not tell the user what to do next. And the third example is inappropriate. तो कहने का मतलब ये है कुछ ऐसे सर्टेन मेथड्स हम हमें देने पड़ेंगे जिसके थ्रू यूजर ये अंडरस्टैंड कर सके कि उसे क्या कंट्रोलिंग के लिए क्या करना है, ठीक है? तो द थर्ड प्रिंसिपल वाज कंट्रोल, यूजर कंट्रोल एंड फ्रीडम. फोर्थ वन इज कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड. व्हाट इज द मीन ऑफ कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड? बेसिकली सपोज करिए कि मैं अपने मेरे मैंने एक वेब पेज बनाया, मैंने एक वेबसाइट बनाया. मेरे वेबसाइट में टोटल 10 पेजेस हैं, ठीक है? और हर पेज पे सपोज करिए कि मैं रिक्रूटमेंट की मैं सपोज करिए मेरा रिक्रूटमेंट की एक वेबसाइट है और मैं रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट वर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, रिक्रूटमेंट की मीनिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए हर पेज पे अलग अलग वर्ड्स यूज कर रहा हूँ. हर पेज पे अलग अलग वर्ड्स यूज कर रहा हूँ. तो रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग डिफरेंट वर्ड यूज करना ये क्या है? इनकंसिस्टेंसी है. क्या है? इनकंसिस्टेंसी है. और ये स्टैंडर्ड्स को मेंटेन नहीं करता है. हमें क्या करना है? यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स टू मीन द सेम एक्शन. एक ही एक्शन के लिए हम डिफरेंट वर्ड यूज करें और यूजिंग डिफरेंट सिंबल्स ऑन डिफरेंट पेजेस. यानी डिफरेंट पेजेस पे हम डिफरेंट सिंबल यूज करें किसी स्पेसिफिक नोटेशंस के लिए कैन बी कंफ्यूज टू द यूजर. ये यूजर को क्या कर सकता है? कंफ्यूज कर सकता है. इसीलिए हमें क्या करना है? कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना है ताकि हम स्टैंडर्ड्स को मेंटेन कर सके. कंसिस्टेंसी रखनी ताकि हम स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रख सके. उसके लिए क्या करना है? डिफरेंट वर्ड्स नहीं यूज करने हैं सेम एक्शन के लिए. किसी स्पेसिफिक एक्शन के लिए जो वर्ड मैंने फर्स्ट पेज पे यूज किया वही मैं सेकंड पे करूंगा, वही मैं हर पेज पे करूंगा ताकि यूजर कंफ्यूज ना करे. अगर मैं कोई सिंबल्स यूज कर रहा हूँ तो सिंबल भी मैं क्या करूंगा? सेम सिंबल यूज करूंगा. जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि यूपी गवर्नमेंट का लोगो अगर मैं यूज कर रहा हूँ अपने वेब पेज पे तो हर पेज पे वो लोगो एक स्पेसिफिक पोजिशन पे ही लगा होगा और सेम लोगो लगा होगा. ऐसा नहीं कि पहले पेज पे कोई और लोगो है, दूसरे पेज पे कोई और लोगो है, तीसरे पेज पे कोई और लोगो. नहीं, हर पेज पे एक ही लोगो होगा. तभी यूजर इजीली अंडरस्टैंड कर पाएगा कि इस वेबसाइट की सारी की सारी पेजेस यूपी गवर्नमेंट से रिलेटेड है. फॉर एग्जाम्पल इसी फोर्थ पॉइंट को कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड को एक्सप्लेन करने के लिए एक फिगर दिया गया है.
इस फिगर में देखिए दो विंडो दिखाए गए हैं। पहले वाले विंडो में राइट साइड में ओके एंड कैंसिल का बटन दिया गया है, दूसरे वाले विंडो में बॉटम राइट साइड में ओके एंड कैंसिल का ऑप्शन दिया गया है। यानी आप अपनी एप्लीकेशन के किसी एक विंडो में ओके और कैंसिल का ऑप्शन किसी अदर लोकेशन पर देते हैं, वहीं किसी और विंडो पे ओके और कैंसिल का ऑप्शन किसी अदर लोकेशन पर देते हैं, ये आपके एप्लीकेशन में इनकंसिस्टेंसी को शो करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, एंड फिफ्थ वन इज एरर प्रिवेंशन। एरर प्रिवेंशन बेसिकली हम नॉर्मली हम कहते भी है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है, एरर को रिजॉल्व करने से अच्छा है कि उसको पहले ही ऐसा कर दो कि वो अकड़ ही ना होने पाए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एरर को प्रिवेंट करते हुए चलना। कैसे प्रिवेंट कर सकेंगे एरर को, एरर मैसेज देकर के। मतलब यूजर कोई सर्टेन एक्शन परफॉर्म कर रहा है और वो सर्टेन एक्शन एग्जीक्यूट होने से कोई बहुत क्रिटिकल सिचुएशन अकर्ड हो सकती है, तो वो क्रिटिकल सिचुएशन अकर्ड ना होने पाए उससे पहले में एरर मैसेज दे दे ताकि यूजर अंडरस्टैंड कर जाए ना हम मुझे इसके आगे अब मूव नहीं करना है। ठीक है, सो एरर प्रिवेंशन बाय रिसर्च इट इज पॉसिबल टू पिन पॉइंट द टिपिकल एरर दैट यूजर्स नॉर्मली टेंड टू कमिट। हमें क्या करना है, अपने इंटरफेस पे उन पिन पॉइंट्स, उन मेन पॉइंट्स को पे फोकस करना है जिसपे यूजर नॉर्मली मिस्टेक कर सकता है और उसके मिस्टेक करने से क्रिटिकल सिचुएशन अकर्ड हो सकती है। तो हमें क्या करना है, उन पिन पॉइंट्स की रिगार्डिंग प्रिवेंशन ऑफ एरर बेस्ट अप्रोच। हमें क्या करना है, एरर अप्रोच देना है ताकि उस उन पॉइंट्स पे, उन क्रिटिकल पॉइंट्स पे एक एरर मैसेज आए जिससे यूजर अलर्ट हो जाए। हाउ यू रिकवर, हम एरर मैसेज दे तो रहे हैं लेकिन इन केस अगर यूजर डिनोट किया है और वो गलती से एग्जीक्यूट कर जाता है उस एक्शन को और वो एरर अकर्ड हो जाता है, तो हमारे पास एक सेकेंड ऑप्शन होना चाहिए क्योर का। हम क्या कर रहे हैं, प्रिवेंशन तो कर रहे हैं लेकिन अगर प्रिवेंशन नहीं कर पाए तो हमारे पास क्योर का ऑप्शन होना चाहिए। सो हमें रिकवरी का भी ऑप्शन अपने इंटरफेस पे रखना है। तो फिफ्थ वाज एरर प्रिवेंशन। नेक्स्ट वन इज सिक्स्थ इज रिकॉग्निशन रेदर देन रिकॉल। रिकॉग्निशन रेदर देन रिकॉल मीन्स, आपने जब ह्यूमन का मेमोरी मॉडल पढ़ा था उसमें बताया गया था रिकॉल फंक्शनैलिटी हम तब यूज करते हैं जब हम लॉन्ग टर्म मेमोरी से कोई डेटा शॉर्ट टर्म मेमोरी में यानी वर्किंग मेमोरी में लेके आते हैं। तो हमें अपने इंटरफेस को इस तरह से बनाना है कि यूजर उससे इंटरेक्ट करने के लिए ये ना सोचे अरे यार क्या था वो, मैंने क्या देखा था उस इंटरफेस को, अच्छा मुझे इसका क्या मतलब था, मैंने बहुत पहले देखा था मुझे याद नहीं आ रहा ना, उसे चीजों को रिकॉल ना करना पड़े, उससे लॉन्ग टर्म मेमोरी से डेटा वर्किंग मेमोरी में ना लाना पड़े, उसको सोचना ना पड़े यार ये तो मैंने यूज किया इसका क्या मतलब ना। हमें इस तरह से रिप्रेजेंटेशन करना है कि वो इजिली क्या करे, रिकॉग्नाइज कर सके। यूजर जो है इजिली हमारे इंटरफेस पे एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स को इजिली रिकॉग्नाइज कर सके, उसे रिकॉग्नाइज करने के लिए उसे रिकॉल ना करना पड़े, सोचना ना पड़े। ठीक है, सो लोडिंग द शॉर्ट टर्म मेमोरी ऑफ द यूजर बियॉन्ड द लिमिट हैज नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस। अगर बहुत देर तक सोचता रहेगा तो डिले हो जाएगा उसके ऑपरेशन में। Given negative path, a user need not have to remember or recall all the instructions. User हर समय system के हर एक actions को memorize नहीं कर सकता है, हर एक code को memorize नहीं कर सकता, हर command को memorize नहीं कर सकता है। इसीलिए हमें अपने interface पे इस तरह से चीजों को रखनी ताकि user देखते ही समझ जाए कि कौन सा data किस file में। For example, यहाँ पे figure दिया हुआ है, इस figure में अगर जो third वाला figure है उसमें अगर आप ध्यान से देखें हर एक directory को हमने hierarchical form में दिखा रखा है। यूजर इजिली अगर किसी फाइल को फाइंड आउट करना चाहता है तो इजिली हायरार्की को देख के अंडरस्टैंड कर लेगा किस ड्राइव के, किस डायरेक्टरी के, किस सब डायरेक्टरी में वो सर्टेन फाइल एग्जिस्ट कर रही है। तो रिकॉग्निशन रदर देन कॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर आवर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट वन इज फ्लेक्सीबिलिटी एंड इफिशियंसी टू यूज। फ्लेक्सीबिलिटी एंड इफिशियंसी ऑफ यूज मीन्स हमें अपने इंटरफेस को इस तरह से रखना है कि यूजर जो उसको इंटरेक्ट कर सके, यूज कर सके। जैसे शॉर्ट कीज हम उस पर प्रोवाइड करें, ठीक है, हम उसमें बहुत सारे फीचर्स दें, ग्राफिकल फीचर्स दें जिससे यूजर उसको आसानी से समझ के इंटरेक्ट कर सके। तो फ्लेक्सिबिलिटी एंड इफिशियंसी हमारे इंटरफेस में होने चाहिए। सो द सिस्टम कैन कैटर टू बोथ इनएक्सपीरियंस्ड एंड एक्सपीरियंस्ड यूजर। एज यूजर बिकम प्रोफिशियंट शॉर्टकट कैन बी इनकरेज। यूजर एक्सपर्ट है तो शॉर्टकट यूज कर सकता है, thereby increasing the efficiency, जिससे क्या होगा वो कम समय में ज्यादा काम कर सकता है। allowing the rearranging of the screen element by user can also be adopted।
अगर हमारे कुछ ऐसे फीचर्स हों कि हम अपने स्क्रीन के एलिमेंट्स को रीअरेंज कर सके, जो हमारे काम की चीजें हम एक जगह रख सकें, जो हमारे काम के नहीं उनको हटा दें कहीं और रख दें, उससे क्या है कि हम इजिली चीजों को फाइंड आउट करके उससे इंटरेक्ट कर सकते हैं। मीन्स हमारी फ्लेक्सीबिलिटी बढ़ जाएगी और हमारी इफिशियंसी भी बढ़ जाएगी। सो फ्लेक्सीबिलिटी एंड इफिशियंसी ऑफ यूज, हमें यूज करने में, अपने इंटरफेस को यूज करने में हमारे पास फ्लेक्सीबिलिटी भी होनी चाहिए और इफिशियंसी भी होनी चाहिए। जैसे यहाँ दो एग्जांपल बताए गए हैं, देखिए एक एक्सेल शीट है, इस एक्सेल शीट में को यूज करने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स के थ्रू यूज कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ कह रहा है, एडवांस यूजर कैन ऑप्ट फॉर शॉर्टकट्स इन द स्प्रेडशीट एग्जांपल इन द फर्स्ट पिक्चर, इन दिस पिक्चर। फ्लेक्सीबिलिटी ऑफ कीपिंग द रिक्वायर्ड बटन सेक्शन इन व्यू ऑफ हाइडिंग देम गिव्स द ऑप्शन टू द यूजर टू रीअरेंज GUI as needed as shown in the second picture. Normally आप देखेंगे word, जो word file होती है, जो Excel file होती है, टूल बार के ऊपर एक बार होता है जिसमें सेव का बटन होता है, अंडू और रीडू का बटन होता है। उसमें आप कुछ ऐसे बटन्स, कुछ ऐसे बटन्स आप उसमें या कुछ ऐसे फीचर्स उसमें ऐड कर सकते हैं टूल्स में जा करके, जिसके थ्रू आप डायरेक्टली उस ऑप्शन पर क्लिक करके किसी सर्टेन एक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं, इफिशियंटली कम समय में उसको परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी ऑप्शन को ऐड कर ले रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग किसी भी ऑप्शन को रिमूव कर दे रहे हैं। ठीक है, एट्थ वन इज एस्थेटिक। एस्थेटिक एंड मिनिमलाइज डिजाइन। बेसिकली एस्थेटिक एंड मिनिमलाइज डिजाइन का मतलब यह है कि आपको अपने इंटरफेस को बिल्कुल सुंदर बनाना है, सौंदर्यीकरण करना है उसका, मतलब उसको बिल्कुल डेकोरेट कर देना है ताकि कोई भी आपके इंटरफेस को देखे तो बिल्कुल अट्रैक्ट हो जाए। ठीक है, सो रिलेवेंसी, सिंप्लिसिटी, मिनिमम अमाउंट ऑफ लेबल, अनक्लटर्ड ग्राफिकल रिजल्ट इन इफिशियंट कम्युनिकेशन डायलॉग बिटवीन द यूजर एंड द इंटरफेस, ऑल नेसेसरी सुपरफ्लूस एलिमेंट्स नीड टू बी ड्रॉप्ड। सो जैसा कि आप यहां देखिए स्क्रीन पे बिल्कुल जो ग्राफिकल इंटरफेस है, बिल्कुल जो हमने आइकन दिया हुआ है, आइकन के साथ लेबल दिया हुआ है, ताकि हम चीजों को इजिली, हमने बिल्कुल एक तरह से करें इसका सौंदर्यीकरण कर दिया, मतलब चित्र के रूप में, ग्राफिकल के फॉर्म में हर चीज को रखा हुआ है। ठीक है, नाइन्थ इज हेल्प यूजर्स रिकॉग्नाइज, डायग्नोज एंड रिकवर फ्रॉम एरर। हमारा इंटरफेस ऐसा होना चाहिए कि यूजर जो है रिकॉग्नाइज कर सके प्रॉब्लम को, उसको खुद ही डायग्नोज कर सके और उससे रिकवर हो सके। नॉर्मली कभी कभी क्या होता है, हम कोई सर्टेन एक्शन परफॉर्म कर देते हैं और कुछ एरर रिकॉर्ड हो जाता है, फिर इस एरर से हम रिकवर नहीं कर पाते हैं। तो रिकॉग्निशन के लिए क्या होना चाहिए, कुछ एरर मैसेज लिख के आने चाहिए ताकि उस मैसेज को पढ़ के हम ये अंडरस्टैंड कर सके कि ये एरर जो है किस वजह से अकर्ड हुआ है। फिर उसमें डायग्नोज के रिगार्डिंग हमारे पास कुछ सर्टेन ऑप्शन होने चाहिए ताकि उनको डायग्नोज इजिली डायग्नोज कर सकें। ठीक है, रिकॉग्नाइज एंड डायग्नोज कर सकें और फिर उससे हम रिकवर कर सकें, उस एरर से हम रिकवर हो सकें। ठीक है, लास्ट वन इज हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज इवन दो इट इज बेटर इफ द सिस्टम कैन बी यूज विदाउट डॉक्यूमेंटेशन, इट मे बी नेसेसरी टू प्रोवाइड हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन। आपने देखा होगा हर सॉफ्टवेयर में हेल्प का ऑप्शन होता है, बेसिकली उस ऑप्शन को यूज करके आप उस एप्लीकेशन में, उस इंटरफेस में यूज होने वाले सारे फीचर्स को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं विदाउट एनी थर्ड पर्सन, विदाउट किसी तीसरे पर्सन के नॉलेज के। आप नॉर्मली उस हेल्प डॉक्यूमेंट को पढ़ करके आप कंप्लीटली उस इंटरफेस को कैसे यूज करना है, कैसे इंटरेक्ट करना है, आप इजीली उसको समझ सकते हैं। हेल्प क्वेरीज नीड टू बी answered promptly without the user having to go through an elaborate elimination list. यार देखिए फिगर दिया गया, फिगर में the screenshot 1 and 2 attempt to train the user by 009 offering information on the consequence of their decisions. यहाँ पे देखिए दो विंडो दिए गए हैं, दोनों विंडो में इंफॉर्मेशन को इस तरह से रखा गया है कि ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन ये यूजर को हेल्प करेगा कि अब अगला स्टेप क्या परफॉर्म करना है, ताकि यूजर को उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने में या उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ड्यूरिंग यूज कैसे यूज करना है उसे एक हेल्प मिल सके, एक सपोर्ट मिल सके। सो
this is third, this is our last point, help and documentation of heuristic evaluation given by Nelson's. So this is basically a heuristic approach for evaluating interface by 10 principles given by Nelson. So I think you clear. Thank you.